हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल कुमार एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर तो आपने थंबनेल में देखा ही होगा। चलिए क्वेश्चन को फटाफट स्टार्ट करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ करना है नहीं। करना क्या है, ए और बी की वैल्यूज को फाइंड करना है और कंडीशन क्या दिया गया मेरे पास, कंडीशन दिया गया कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे, उससे a1, a2, b1, b2, c1, c2 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन लगा के दो इक्वेशन निकलेगा, उससे हम लोग ए और बी की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेरे पास गिवन इक्वेशन क्या है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे गिवन इक्वेशन। मेरे पास गिवन इक्वेशन क्या दिया गया है, दिया गया है 2x + 3y = 7 दिया गया है। इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना चाहें तो 7 इधर आ जाएगा माइनस में और इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन जो दिया गया है मेरे पास क्या दिया गया है, a + b + 1x + a + 2b + 2y और उस टर्म को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -4a + b ऐसा हो जाएगा और -1 को इधर लाएंगे तो ऐसा हो जाएगा 0 के इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, अब ये एक्चुअली किस फॉर्म में है, फर्स्ट वाला जो मेरा है a1x + b1y + c1 = 0 के फॉर्म में है और सेकंड किस फॉर्म में है, सेकंड मेरा a2x + b2y + c2 = 0 के फॉर्म में है। अगर यहाँ से हम लोग निकालना चाहें तो a1 मेरा कितना आ जाएगा, a1 आ जाएगा 2, b1 कितना आ जाएगा, b1 आ जाएगा मेरा 3, c1 कितना आ जाएगा, c1 आ जाएगा मेरा -7। ठीक है, उसी टाइप से a2 निकालना चाहें तो a2 कितना आ जाएगा, a2 आ जाएगा a + b + 1 और b2 कितना आ जाएगा, b2 आ जाएगा a + 2b + 2 आ जाएगा और c2 कितना आ जाएगा, c2 मेरा पूरा आ जाएगा 4a। इसको अगर हम लोग ब्रैकेट खोलना चाहें तो ये 4a और ये कितना आ जाएगा, 4b हो जाएगा। ठीक है, 4a - 4b - 1 हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन आप लोग को पता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के, तो बस लगा देते हैं। क्या लिखेंगे, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है a1y a2 = b1y b2 = c1y c2 होता है। ठीक है, a1 कितना है मेरे पास, a1 है 2, तो बस 2 पुट कर लीजिए। a2 कितना है, a2 मेरे पास ये है a + b + 1 है, तो ऐसा पुट कर लीजिए, इक्वल का साइन है। b1 कितना है, b1 है मेरे पास 3 और b2 कितना है, b2 है मेरे पास a + 2b + 2 है, इक्वल टू उसका साइन। c1 कितना है, c1 है ऐसा। ठीक है, -4a - 4b - 1 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गया और ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गया। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर लेते हैं और एक इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, इसको इक्वल कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद प्लस साइन है तो प्लस दे देंगे, 2 × 2b कितना हो जाएगा, 4b हो जाएगा। ठीक है, प्लस साइन है तो प्लस साइन दे दीजिए, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इक्वल का साइन तो इक्वल दे दीजिए। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × a कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो बस यहाँ पे 3a लिख दीजिए, 3 प्लस प्लस साइन दे दीजिए, 3 × b कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। तो ऐसा लिख लीजिए और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, सारे टर्म को इधर ले आएंगे तो देखिए यहाँ पे 2a है और इस 3a को इधर ले आएंगे तो 2a - 3a कितना हो जाएगा, माइनस का a लिख लें क्या, तो माइनस का a हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 4b है और इस 3b को इधर लाएंगे तो 4b - 3b + b हो जाएगा क्या, तो बस हम लोग यहाँ पे प्लस बी लिख लेते हैं। ठीक है, और 3 को इधर लाएंगे तो 4 - 3 3 हो जाएगा क्या, तो बस 3 लिख लेंगे। ठीक है, जैसा कि पहले हम लोग एक्स वाई के टर्म में इक्वेशन आता था, बट यहाँ पे एक्स वाई के टर्म में ना कर ए और बी के टर्म में इक्वेशन आ रहा है, तो इस कंडीशन में अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे भी a1 a2 लिख सकते हैं। तो बस यहाँ के लिए a1 जो हो जाएगा, a1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1 दिख रहा है। b1 कितना हो जाएगा, b1 आपको यहाँ पे 1 दिख रहा होगा और c1 कितना दिख रहा है, c1 आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को इक्वल करते हैं। ठीक है, या फिर किसी को भी इक्वल कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड को भी करके सेकेंड इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड और थर्ड को इक्वल कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे सेकेंड और थर्ड को इक्वल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेकेंड इक्वल टू थर्ड कर रहे हैं।
ठीक है, सेकंड मेरे पास क्या है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। सबसे पहला काम क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 × -4 ये कितना, 3 × -4 ये कितना हो जाएगा, -12 ए हो जाएगा क्या, इसको मिटा देते हैं हम लोग, तो -12 ए हो जाएगा, ठीक है। 3 × -4 भी -12 भी हो जाएगा क्या, तो -12 भी लिख दीजिए। 3 × -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इक्वल का साइन दे दीजिए। अब इसको इससे करेंगे, -7 × a कितना हो जाएगा, -7 a हो जाएगा, तो -7 a लिख लीजिए। -7 और 2 भी कितना हो जाएगा, -14 भी हो जाएगा, तो बस -14 भी लिख दीजिए, ठीक है। -7 और 2 कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो -14 हो जाएगा। सब टर्म को उधर कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए -12 a और इस ये यहाँ पे माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -12 a +7 a कितना हो जाएगा, -5 a हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे -5 a कर लेते हैं। और ठीक है, 14 इसको उधर करेंगे तो -12 b और ये उधर जाएगा +14 b, कितना हो जाएगा, +2 b हो जाएगा क्या, तो बस 2 b लिख देते हैं। 14 को उधर करेंगे तो 14 ये माइनस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 14 - 3 कितना हो जाएगा, ये मेरा प्लस में 11 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी मेरा क्या, वहां पहले हम लोग एक्स और वाई के टर्म में आता था इक्वेशन, बट यहाँ पे ए और बी के टर्म में आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग वहां पे ए वन लिख चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए टू आ जाएगा, तो ए टू इक्वल टू -5 लिख लेते हैं, बी टू इक्वल टू 2 लिख लेते हैं, और सी टू इक्वल टू कितना, 11 लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसा काम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा के एक्स और वाई, ए और बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे हम लोग को पता था क्या कि एक्स का एक फॉर्मूला होता था, क्या होता था, a1b2 - a2b1 डिवाइडेड बाई क्या होता था, नहीं ऐसा नहीं होता था, ये क्या होता था, b1c2 - b2c1 डिवाइडेड बाई क्या होता था, मेरे पास a1b2 - a2b1 ऐसा होता था, याद आ रहा होगा आपको। बट यहाँ पे a और b के टर्म में क्वेश्चन है, तो ये x ना होकर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। a इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, अब बस वैल्यूज को पुट कीजिए, b1 कितना है, b1 मेरे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर लीजिए, ठीक है। c2 कितना है, मेरे पास 11 है, तो यहाँ पे 11 पुट कर लीजिए, माइनस का साइन है। b2 कितना है, 2 है, तो 2 कर लीजिए, और c1 कितना है, c1 यहाँ से मेरे पास कितना है, 3 है, तो बस यहाँ पे 3 पुट कर लीजिए, क्लियर। चलिए डिवाइडेड बाई यहाँ पे a1 कितना है, a1 यहाँ से दिख रहा होगा आपको, -1 है, तो यहाँ पे -1 पुट कर लेंगे, तो -1 पुट कर लीजिए। b2 कितना है, b2 मेरे पास 2 है, तो 2 पुट कर लीजिए, माइनस का साइन। a2 कितना है, a2 मेरे पास -5 है, तो -5 पुट कर लीजिए। और b1 कितना है, b1 मेरे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर लीजिए, ठीक है, काम खत्म। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 11 हो जाएगा, और ये -6 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2 और यहाँ पे -- क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 5 कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 by 3 आ जाएगा, मतलब a इक्वल टू कितना आ गया, 5 by 3 आ गया। और b का वैल्यू निकालना चाहे तो इसी टाइप से b का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, तो बस b के लिए कुछ मत कीजिए, b के लिए भी वही काम करेंगे। b के लिए फॉर्मूला क्या होता था, c1 a2 - c2 a1 / a1 b2 - a2 b1 ऐसा होता था, ठीक है। c1 का वैल्यू पुट कीजिए, c1 कितना है मेरे पास, c1 कितना है, ये इधर आएगा, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बस यहाँ पे 1 कर लीजिए, एक मिस्टेक हो गई, ठीक है। चलिए एक मिस्टेक हो गई, तो जहां जहां c1 था वहां वहां हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट कर लेंगे। देखिए c1 कहाँ कहाँ था, c1 यहाँ था, तो यहाँ पे हम लोग 1 पुट कर लेंगे, ठीक है। और कहाँ c1 था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 - 2 ऐसा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा ऐसा, तो ये 3 कट के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लेंगे और b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। c1 कितना है मेरे पास, c1 कितना है, 1 है, तो बस 1 पुट कर दीजिए मल्टीप्लाई का साइन। a2 कितना है, a2 मेरे पास -5 है, तो -5 पुट कर लीजिए, माइनस है तो माइनस दे दीजिए। c2 कितना है, c2 मेरे पास 11 है, तो 11 पुट कर दीजिए। a1 कितना है, a1 है मेरे पास -1 है, तो यहाँ पे हम लोग -1 पुट कर देंगे, ठीक है, -1 पुट कर दिए। डिवाइडेड बाई a1b2 - a2b1 यहाँ से देख सकते हैं इसका वैल्यू क्या आया था, 3 आया था, तो हम लोग
थ्री पुट कर लें क्या, ठीक है, वन इंटू माइनस फाइव कितना हो जाएगा, माइनस फाइव हो जाएगा, तो बस यहाँ पे माइनस फाइव लिख दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे इलेवन लिख दीजिए, नीचे क्या है, थ्री है, इलेवन माइनस फाइव कितना हो जाएगा, इलेवन माइनस फाइव मेरे पास सिक्स हो जाएगा, और नीचे थ्री है, इसको कट कीजिएगा तो मेरे पास टू आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि a इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, a इक्वल टू मेरे पास आ गया थ्री, और b इक्वल टू मेरे पास टू आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे।